हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है चंद्रकला बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं चंद्रकला बनाना। चंद्रकला बनाने के लिए ये हमने 300 ग्राम मैदा लिया है और 150 ग्राम हमने खोया लिया है और एक कटोरी हमने चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए और एक छोटी कटोरी हमने ऑयल लिया है। ये मैंने थोड़े से बादाम कट कर लिए हैं बारीक और ये मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है और ये थोड़ी सी मैंने किशमिश को टुकड़ों में कट कर लिया है और ये मैंने खोए में मिक्स करने के लिए खांड ली है, एक छोटी कटोरी खांड ली है और ये थोड़े से हमने पिस्ते, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये 8 से 10 मैंने भूरी मिर्ची ली है, 2 मोटी इलायची और 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा मैंने केसर लिया है। तो आइए बनाते हैं चंद्रकला। सबसे पहले मैं आटा गूंद कर तैयार कर लूंगी। ये मैंने मैदे को बाउल के अंदर डाल दिया है और अब मैं इसमें ये ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल मैं बचा लेती हूँ और इसे मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ये बचा हुआ ऑयल भी डाल दूंगी। जिस प्रकार से हम मटर और मट्ठी का आटा तैयार करते हैं गूंद के, उसी प्रकार से हमें टाइट डो बनाकर तैयार करना है। और ये हमारे आटे की देखो मुठ्ठियां बनने लगी हैं और ये डो एकदम बढ़िया है। अब मैं इसे पानी डालकर गूंदूंगी। ये मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें पानी और डालूंगी। और ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। ये देखो कितने ठीक है, ना ढीला है ज्यादा ना ज्यादा टाइट है। और इसे मैं सेट होने के लिए रख दूंगी, इसे ढक के आटे को। इधर मैंने एक ये सॉस पैन लिया है, मैं इसके अंदर ये बादाम और ये पिस्ता और ये नारियल, इन सबको थोड़ा सा भून लूंगी ऐसे ही से। इसे हमें ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। ये हमारे ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। अब इसी के अंदर मैं ये खोया को भून लूंगी। खोए को हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि ये बाजार का खोया है। और ये खोया हमारा अच्छे से भून चुका है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और खोए को मैं बाउल के अंदर निकाल लूंगी। अब मैं इसे इस बाउल के अंदर ही डाल दूंगी खोए को, और इसी खोए के अंदर मैं ये किशमिश डाल दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये मैंने मोटी इलायची ली है, इसको मैं तोड़ लूंगी और इसके ये जो बीज हैं ये निकाल के मैं इसमें कूट लूंगी, इसे अच्छे से एक साइड में रख दूंगी। और साथ ही ये मैं भूरी मिर्ची भी इसी में डाल दूंगी। एक छोटी इलायची मैंने चाशनी के लिए और केसर भी चाशनी के लिए रख रखा है। ये छिलके आप किसी चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हो मोटी इलायची के। अब मैं इसे कूट लूंगी दरदरा, और ये अच्छे से दरदरा कूट चुका है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि इससे चंद्रकला का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। ये मैंने एक बर्तन लिया है, अब मैं चाशनी बनाऊंगी। ये 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी मैंने ये पानी लिया है। इलायची डाल दूंगी, ये मैंने छील ली है इनको, और साथ ही ये केसर के धागे डाल दूंगी और चाशनी को मैं पकने दूंगी। जब तक हमारी चाशनी पकती है तब तक मैं एक साइड, ये मैंने एक तरफ स्लो गैस पे ऑयल गरम होने रख दिया है, इधर ये हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, इसे मैं मिक्स कर लूंगी और साथ ही मैं इसमें ये खांड डाल दूंगी। मीठा अपने
स्वाद के अनुसार ले सकते हैं आप। और ये हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है, इसे मैं एक साइड में रख दूंगी और अब मैं चंद्रकला बेलकर तैयार करूंगी। ये हमारी चाशनी इधर पककर तैयार हो चुकी है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। ये देखो बिल्कुल चिपचिपी चाशनी बन चुकी है हमारी, और गैस को मैं बंद कर दूंगी। अब हम अपने आटे को चेक करेंगे और इसे थोड़ा सा मल लेंगे हाथ से। और ये हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसकी लोई बना लूंगी एक बड़ी सी। इस पे मैं थोड़ा सा सूखा मैदा लगाऊंगी और एक बड़ी सारी रोटी बनाकर तैयार कर लूंगी इसको। और ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये मैंने एक गिलास लिया है, अब मैं गिलास की मदद से ये पीसेस कट कर लूंगी। थोड़ा सा दबा के नहीं, आसानी से कट हो जाते हैं ये। और अब मैं ये निकाल लूंगी आटे को और इसे भी मैं बाद में इस्तेमाल कर लूंगी। पंच की मदद से ये थोड़ा सा डो रखूंगी इस पे। और साइड में मैं इसके किनारे पे पानी लगाऊंगी और इस दूसरी पूरी पे भी मैं पानी लगाऊंगी और इसे इस प्रकार से मैं सेट कर दूंगी। ये एक फोक लिया है, आप चाहे फोक की मदद से या हाथ की मदद से इसे बना सकते हैं। मैं इस प्रकार से इसकी किनारे दबा दूंगी फोक की मदद से। इतने अच्छे से बनकर तैयार हुई है चंद्रकला और इसे मैं एक प्लेट में रख दूंगी। देखो कितने बढ़िया से शेप आई है इसकी। मैं दूसरी को भी भरूंगी इसी प्रकार से। और अब मैं इसकी किनारी पे पानी लगाऊंगी फिर से। और ऐसे ही मैं ये दूसरी पूरी पे भी पानी लगाऊंगी। आप चाहे बड़ा साइज भी बना सकते हैं, मैं बिल्कुल छोटा ही साइज बनाऊंगी। और दूसरी पूरी को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और इस प्रकार से मैं हाथ से इसे दबा दूंगी। अब मैं इसे हाथ से बना के दिखाऊंगी आपको। अब इस प्रकार से मैं फोल्ड करती जाऊंगी इसे। आप चाहे फोक की मदद से या हाथ की मदद से भी बना सकते हैं चंद्रकला को। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। और इसी प्रकार से मैं अपनी सारी चंद्रकला बनाकर तैयार करूंगी। इस पे भी मैं पानी लगा लूं। अब मैं सारी को हाथ की मदद से ही बनाऊंगी। आप चाहे फोक की मदद से भी बना सकते हैं। यह चंद्रकला का सांचा भी मिलता है, उसे भी बना सकते हैं आप। ये बनाने में बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है चंद्रकला। अब मैं चंद्रकला को सांचे में बना के दिखाऊंगी। ये चंद्रकला का सांचा लिया है मैंने, इसकी मैं दो पूरियां बेल के तैयार करूंगी। पूरी हमें थोड़ी सी बड़ी ही बेलनी है। ये
ये हमारी दोनों पूरियां बिलकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने ये सांचे को लिया है, एक पूरी को इसके ऊपर रख लिया है, बिल्कुल किनारे से रखना है। और अब मैं इसमें ये मावा भर लूंगी और इसके साइड में भी मैं पानी लगाऊंगी किनारी पे। और इसके ऊपर ये मैं दूसरी पूरी रख दूंगी और इसे मैं अच्छे से दबा दूंगी इस प्रकार से। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको मैं निकाल दूंगी और ये भी खोल के दिखाती हूँ मैं। देखो कितने बढ़िया से बन के तैयार हुई है, सांचे की मदद से बना सकते हो। ये देखो कितने अच्छे से दोनों साइड से अच्छी तरह से बनी है। अब मैं सारी गई चंद्रकला बनाकर तैयार करूँ और ये हमारी गुजिया चंद्रकला बनकर तैयार हो चुकी हैं। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसमें ये चंद्रकला गुजिया छोड़ दूंगी और गैस को हमें स्लो पे ही रखना है। और ये देखो फूल कर कितने अच्छे से ऊपर आ गई है हमारी चंद्रकला। ये हमारी चंद्रकला अच्छे से सीख कर तैयार हो चुकी हैं। देखो कितने बढ़िया से सीखी हैं। इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूंगी और बाकी बची हुई चंद्रकला को भी मैं फ्राई कर लूंगी। अब मैं इस चंद्रकला को चाशनी के अंदर डिप कर लूंगी। और अब इन चंद्रकला को मैं प्लेट में निकाल लूंगी ने चंद्रकला को चाशनी में डिप कर लिया है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारी चंद्रकला बनकर तैयार हो चुकी हैं। चंद्रकला मैं तोड़ के नहीं, ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है चंद्रकला। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।